तो ये है दिवाली की छोटी छोटी क्लिप्स, छोटी छोटी यादें, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो था नहीं और बहुत सारा काम था। आप जानते हैं दिवाली में कितने काम होते हैं, कितने भी कर लो, कितने भी साफ़ सफाई कर लो, पर उस दिन तक होता रहता है। फिर मैंने सोचा छोटी सी रंगोली बना दी जाए और शाम की पूजा, उससे पहले मम्मा कुछ दूसरी पूजा करती हैं तो यहाँ पे वो हो रहा था और मैंने छोटी छोटी रंगोलियाँ बना दी थी, जो कि बेहद कम टाइम होने के कारण ऐसा हुआ। पिछले साल मैंने बड़ी रंगोली बनाई थी, पर इट्स ओके, जैसा समय हो उसके अनुसार करना चाहिए। और अभी समय इतना ही था मेरे पास, और ये जो यहाँ पे झालरें लगाई गई थी ये 2-3 दिन पहले ही लग गई थी। तो बस ये सारे छोटे छोटे काम जितने भी थे वो सारे निपटा दिए गए। मिट्टी के दिए धो के रखने होते, सुखाने होते, और बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटी करनी होती हैं। तो ये मैंने सोचा कि थोड़ी सी यादें हैं रख लेते हैं, क्योंकि ये यादें ही कभी आप देख सकते हैं। ये पूजा के लिए तैयारी करनी थी तो थाली वगैरह एकदम प्रॉपर सब साफ़ करके रखनी होती है। सारे काम पूरे हो चुके हैं, बस इंतज़ार था शाम का, और थोड़ा सा टाइम मिला तो सोचा क्यों ना इसमें तैयार हो लिया जाए। और आ गई शाम, तो यहाँ पर पूजा होने के बाद दीपक रखे गए क्योंकि थकावट काफ़ी हो चुकी थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग से शुरू हुआ काम और फिर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली हर जगह दीपक रखे गए, जगमग हो रहा था पूरा। ऐसा लग रहा था कि वाह ये पल यहीं पे ठहर जाए, क्योंकि मुझे रोशनी करना पसंद है। मैं फुलझड़ी पटाखे नहीं छुड़ाती हूँ, पर रोशनी करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ये छोटे छोटे टिमटिमाते दीप जैसे हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं कि बॉस कितना भी अंधेरा हो, जब हम छोटे छोटे जल उठते हैं तो जगमगा उठता है सारा जहाँ ये। और ये देखना मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, और मैं पास से भी क्लोज अप ले रही थी। ये दिया रखना और इनको जलाना, काश ऐसा डेली होता, पर पता है डेली दिवाली नहीं हो सकती। तो अब मुझे इंतज़ार रहेगा नेक्स्ट दिवाली का। कहते हैं ना दोस्तों, कोई भी फेस्टिवल आने वाला होता है तो उसकी तैयारियां कितने दिन पहले से शुरू हो जाती हैं, खासकर दिवाली। इसके लिए हमें कितनी सफाइयां करनी होती हैं, क्या क्या काम करने होते हैं, क्या क्या शॉपिंग करनी होती है, और फिर आके चला जाता है। पर फ़िलहाल दिवाली हो चुकी है और सबकी दिवाली अच्छी रही होगी, यही मैं उम्मीद करती हूँ। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, और ऐसे ही आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और सबसे ज़रूरी जो है वो स्वस्थ रहें, ताकि अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकें और जो करना चाहते हैं लाइफ में वो कर सकें, अपने लाइफ को सार्थक रूप से जी सकें।